हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं आपकी दोस्त रूपल और स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल पर। आप सभी लोगों को कान्हा जी की छठी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आप लोग ये झूला देख रहे हैं ना कन्हैया का, प्यारा लग रहा है ना? आज हम लोग यही वाला झूला बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसे बनाने के लिए, आइए देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ मैंने झूले में सजाने के लिए लिए हैं दो मोर पंख जो हम बाद में लगाएंगे, और मैंने ये सिल्वर पेपर लिया हुआ है जिससे हम अपने झूले को डेकोरेट करेंगे, पूरा रैप करेंगे। तो ये बहुत सुंदर सा सिल्वर पेपर है मेरे पास, इसके मैंने ये दो शीट लिए हुए हैं। इससे हमारा झूला बिल्कुल चांदी वाला लुक देगा, जैसे चांदी का झूला हो। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरह के ये एल्युमिनियम फॉइल के जो रोल होते हैं ना, वैसे तीन रोल लिए हैं मैंने। और इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लू गन ली हुई है जिससे हम पेस्ट करेंगे। और इस तरह के दो कार्डबोर्ड बॉक्स हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक थोड़ा छोटा एंड एक बड़ा बेस के लिए। ये मेरे पास कुछ ऐसे लेसेस पड़े हुए थे तो वो मैंने ले ली, यहाँ पे डेकोरेट करेंगे हम झूले को इससे। और फेविकोल ले लीजिए अगर ज़रूरत पड़ेगी बाई चांस हमें चिपकाने के लिए अपना पेपर। एंड एक पेन ले लेंगे हम मार्क करने के लिए, और ये छोटा सा राखी का टुकड़ा पड़ा हुआ था तो ये मैंने ले लिया, इससे हम डोरी बना लेंगे कान्हा जी को झुलाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम ये जो अपना बड़ा वाला बॉक्स है इससे हम बेस बनाएंगे, तो हम इससे इसको रैप कर लेते हैं अपने सिल्वर पेपर से, बेस बना लेते हैं सबसे पहले अपना। तो हम इसको जो ऊपर का साइड रहता है ना वो रैप कर लेंगे, नीचे के साइड आप अगर ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्योंकि और इसमें देख लीजिएगा जो थोड़ा सॉलिड हो ना साइड, उसको आप ऊपर की तरफ रखिएगा, मीन्स आप उसको रैप करिएगा जो थोड़ा सॉलिड हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको टेप से चिपका लिया, अच्छे से रैप कर लिया है, जैसे आप गिफ्ट पैक रैप करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप इसको रैप कर लीजिए ऊपर की साइड। आप देख सकते हैं इस तरह से, इसको नीचे का साइड छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको करना है तो आप नीचे भी कर दीजिए। मुझे आइडिया नहीं था कितना पेपर लगेगा, इसलिए मैं कंजूसी से काम कर रही थी, मैंने सिर्फ ऊपर की तरफ ही चिपकाया। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने पूरा रैप कर लिया है, इसका बेस रेडी हो गया है। और अब हम इसके बाद इसके ये जो रोल है मेरे पास एल्युमिनियम फॉइल के, तो दो मेरे पास एक जैसे थे, एक थोड़ा सा अलग था, थोड़ा ठीक था, तो मैंने ये जो दो एक जैसे थे ना इनके मैंने पिलर बनाने का सोचा। तो हम अपने पिलर्स को भी अब रोल कर लेते हैं। तो हम तीनों ही यहाँ पे अपने इस सिल्वर पेपर से रैप कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे चांदी के पिलर्स हैं झूले में। तो इसको इस तरह से आप रोल कर लीजिए, जितना आपको सिल्वर पेपर लगे उतना कट करके आप उसमें अच्छे से पेस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों पिलर्स अपने यहाँ पे रोल कर लिए हैं, चांदी जैसे लग रहे हैं ना दोनों, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये अब हम इनको क्या करेंगे, लेस से थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, लेस चारों तरफ से इसमें लपेट देंगे ना, बहुत सुंदर सा लगने लगेगा। तो इस तरह से ये जो ऊपर का भाग है ना, इसको हम पिलर्स के ऊपर ऐसे पेस्ट करके और चारों तरफ से ऐसे राउंड राउंड करते हुए अपने पिलर्स को लेस से डेकोरेट कर लेंगे, बहुत सुंदर सा लुक आएगा, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा झूला आपका। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ लीव्स वगैरह हो, कुछ फ्लावर्स हो, तो उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास लेस थी तो मैंने लेस से कर लिए, देखिए मैंने तीनों ही यहाँ पे एक जैसे कर लिए, लेस से डेकोरेट कर लिए हैं। अब ये जो बेस है हमारा, हम इसके भी ऐसे नीचे साइड भी ऐसे चारों तरफ लेस लगा देंगे, जिससे ये भी बहुत सुंदर सा लगेगा। एंड ये देखिए आप, मैंने यहाँ पर चारों तरफ अपने बेस में यहाँ लेस लगा दिया है। आप चाहें तो इसको और भी अलग अलग तरीक़ों से डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास लेस पड़ी थी इसलिए मैंने उसको यहाँ पे यूज़ किया और मुझे ये बहुत अच्छा भी लगा। तो चलिए अपने पिलर्स यहाँ पे लगा देते हैं बेस में,
तो कैसे लगाएंगे? पहले मैंने सोचा कि मैं पेस्ट कर दूंगी पिलर्स को, लेकिन पेस्ट करने से ना वो बैलेंस नहीं ले पा रहे थे, हिल रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने पिलर्स के अंदर, मेरे पास पुराने इस तरह के रोल और पड़े हुए थे कुछ, तो मैंने उनको ऐसे फोल्ड करके ऐसे दो, एक में दो पुराने रोल्स थे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लूज़ हो गए थे ना, काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे, तो उनको मैंने ऐसे दो लेके और तोड़ मरोड़ के बहुत वैसे करके अपने पिलर्स के अंदर पूरा ऐसे भर दिया। तो ना मेरे जो रॉड था, जो उसका रोल होता है ना अल्मोनियम फॉयल का, बहुत सॉलिड हो गया, एकदम मजबूत हो गया बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं ना किस तरह से मैं इसमें पूरा ऐसे उसमें स्टफ कर दिया, जैसे नींव भरी जाती है ना, तो यहाँ पे हम बिल्कुल अपनी नींव भर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था जो कि मैं इसके बेस के अंदर इसको लगा दूंगी, जिससे पूरा नींव जैसा ही रहे, पूरा मजबूत हो जाए। तो मैंने यहाँ पे होल किया बाद में, पहले मुझे आइडिया नहीं आया था ताकि मैं पहले कर लेती, लेकिन कोई नहीं, जैसे जैसे ठाकुर जी करवाते जा रहे थे मैं वैसे वैसे कर रही थी, लेकिन लास्टली बहुत अच्छे से हो गए पिलर्स, एकदम मजबूती से लग गए थे। और यहाँ पे ये जो तीसरा वाला आपका रोल रहेगा, इसमें आप इस तरह से दो जगह पे होल कर लीजिएगा, देख के मिडिल में बिल्कुल नाप के कर लीजिएगा, एक ऐसे और एक बिल्कुल इसके अपोजिट साइड, दो यहाँ पे कर लीजिएगा। और आप देखिए कि जहाँ पे इसका जोड़ होगा वो नीचे साइड रखिए, फिर आप पे कैसे सुई में छोटे से धागा डाल लीजिएगा और अपनी लेस ले लीजिए, या आपको जो अगर डोरी डालनी है कान्हा जी के झूले में, जो भी आपको लेना है। मेरे पास ऐसे लेस थी सिल्वर, तो मैंने उसी को डोरी की तरह इस्तेमाल किया, और मैंने इसके जो ऊपर रोल है ना, इससे यहाँ पे क्रॉस कर लिया अपनी लेस को। तो ये देख सकते हैं ये लाइनिंग है, इसको मैं नीचे रखूँगी, इसलिए यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ लेस को डालना। तो मैंने सुई की हेल्प से लेस को ऐसे चारों तरफ से क्रॉस कर लिया था, आप देख सकते हैं, और फिर ऊपर से ऐसे लाते हुए दूसरी साइड निकाल लिया था लेस को। तो ये काफ़ी ऐसे मजबूत सी हो गई थी, हिल भी नहीं रही थी बिल्कुल, जैसे जब कान्हा जी का झूला झुलाते हैं ना तो डोरी हिलती है या थोड़ा सा ऐसे, बट ये बहुत सॉलिड हो गई थी, बिल्कुल भी इधर उधर हिल नहीं रही थी, बहुत मजबूती से आ गई थी। आप यहाँ पे कोई और डोरी या कलावा जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। मुझे ये लेस मिली थी तो ऐसे का कर लिया था मैंने। ऊपर से आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए इसको, ऐसे इस तरह से चिपका दीजिए बिल्कुल फोल्ड करके, ताकि ये उठा हुआ सा ना लगे कुछ ऐसे। और आप देख सकते हैं कि ये रेडी हो गई है हमारे झूले की डोरी। और ये जो छोटा वाला हमारा कार्डबोर्ड बॉक्स था ना, इससे हम झूला बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो फोल्ड्स है ना, इसके चारों फोल्ड्स को हम कट कर लेंगे, और फिर इसके बाद ये हम नीचे इसमें कुछ इस तरह का 1 इंच का मार्क कर लेंगे चारों तरफ से। आपको अगर और गहरा चाहिए हो तो आप 2 इंच काट लीजिए, मुझे इतना काफ़ी लगा था, तो मैंने 1-1 इंच चारों तरफ से ऐसे मार्क करके और इसको मैंने कट कर लिया। तो ये कुछ इस तरह से आ गया। और फिर मैंने क्या किया था, इसी तरह के इसके जो फोल्ड्स निकले थे ना, उसको मैंने इसके बेस में चिपका दिए थे, और चारों तरफ इस तरह की 4 पट्टी काट ली थी, तो मैंने इसके बॉर्डर में भी लगा दिया था ताकि ये थोड़ा मजबूत हो जाए, थोड़ा सॉलिड हो जाए। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मैंने इसको इस तरह से लगा के और टेप से इसको चिपका दिया था, और ये जो 2 फोल्ड्स थे इसके, इसको मैंने इसके बेस में चिपका दिया, जिससे बहुत मजबूत हो गया था चारों तरफ से और नीचे से भी हो गया था मजबूत, बहुत मोटा हो गया था। और फिर इसको मैंने चारों तरफ से इस तरह से टेप से ऐसे चिपका लिया, एकदम फिक्स हो गया था, जो मैंने अलग से पट्टियाँ लगाई थी ना वो पूरी इस तरह से मैंने टेप से इसको चारों तरफ से फिक्स कर ली थी। तो ये बहुत हमारा मजबूत सा झूला बन गया था। फिर आप इसको इस तरह का जो हमारा सिल्वर पेपर है ना, उससे आप इसको चारों तरफ से झूले को भी रैप कर लेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसको चारों तरफ से इस तरह से अपने सिल्वर पेपर से रैप कर रही हूँ, रैप हो गया है। फिर मैंने इसके बेस पे भी इसी तरह का सिल्वर जो पेपर का टुकड़ा था ना, इसको लगा दिया, तो ये पूरा कवर हो गया था, एकदम ऐसे चांदी का झूला बन गया। और इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसके बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा था, आप देख सकते हैं। और
फिर मैंने इसके दो साइड इस तरह से मिडिल में दो होल कर दिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पॉइंट पे मैंने इस तरह से होल कर दिए, जिससे हम अपने झूले की डोरी को क्रॉस करेंगे और बांधेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ऐसे होल कर दिए, आप देख सकते हैं ये दो। फिर मैंने जो अपने झूले की डोरी थी उसको यहाँ पे ऐसे इससे क्रॉस करके सुई की हेल्प से ऐसे क्रॉस किया और फिर इसको ऐसे बांध दिया, फिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं ऐसे नाप लिया मैंने इसको कि कैसे रखना है कितने तक, और फिर इसके बाद इसको ऐसे चिपका दिया, बांध दीजिए, चिपका दीजिए या जैसे भी, फिक्स हो जाइए। और फिर इसके बाद मैं रख के देख रही हूँ इसको नाप के कैसे रखने हैं अपने पिलर्स को, थोड़ा सा और मैं इधर उधर से खींच के इस झूले के लिए थोड़ी सी और जगह मैंने करी ताकि ये स्मूथली चले। और फिर यहाँ से हम इसे ऊपर वाले जो हमारे रॉड को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे ग्लू गन की हेल्प से। तो ये देखिए रेडी हो गया हमारा झूला, और यहाँ पे हमने वो जो राखी का टुकड़ा था अपने झूले में ऐसे पेस्ट कर दिया है, जिसको पकड़ के हम कान्हा जी को झुलाएंगे। तो रेडी हो गया हमारा झूला, बस अब इसका लास्ट टच बाकी था। तो मैंने यहाँ पे इसमें मोर पंख लगा दिए दोनों साइड, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, हमारे ठाकुर जी बैठ के, लड्डू गोपाल बैठ के कितना मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इसमें इंजॉय कर रहे हैं झूले में। तो कैसा लगा आपको प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको मेरा आइडिया, मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर इसी तरह हमेशा बनी रहे। राधे राधे।